कभी आपने हनुमान और सीता को एक साथ मैदान में काम करते देखा है या राम को रावण के साथ मिलकर मैदान से पानी निकालते? लेकिन आज हम आपको ऐसा दिखाने जा रहे हैं, प्रशासन की ऐसी लापरवाही जिसकी वजह से शायद भगवान को भी जमीन पर उतरना पड़ा और रामलीला का मैदान साफ करना पड़ा। ये नज़ारा आपने शायद इससे पहले ना तो कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। इसको देखकर शायद आप चौंक भी गए होंगे, लेकिन ये सच है। नज़ारा मेरठ के जिमखाना मैदान का है, जहां जिला प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर खुद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और भक्त हनुमान के साथ साफ सफाई के लिए पहुंच गए। आपने रामायण में हनुमान जी को माता सीता के साथ तो काम करते नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए कैसे हनुमान जी माता सीता के साथ मिलकर यहाँ जमा पानी फेंक रहे हैं। हनुमान जी और सीता जी फावड़े से तछले में पानी भर रहे हैं और फिर दूर ले जाकर उस पानी को फेंक रहे हैं। वाकई ये नज़ारा शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। आखिर क्यों इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, खुद इनकी जुबानी ही सुनिए। कमेटी वालों ने कहा कि पानी नहीं निकल रहा, कोई उसका नहीं आ रहा, नगर निगम का कोई नहीं आ रहा, सरकार से कोई सहायता नहीं है, इसलिए हम सब आ गए। योगी जी और मोदी जी कुछ करें स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। वो अभियान तो बहुत बड़ा चला रही है, बहुत वो हो रहा है, पर कुछ सफाई दिख नहीं रही है। सड़कों पे भी, इधर सड़क की भी बात करूं तो सफाई नहीं है, और इधर ग्राउंड में तो बहुत बुरा हाल है हमारा। दरअसल मेरठ के जिमखाना मैदान में सालों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस साल भारी बारिश की वजह से मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। अब यहाँ रामलीला का मंचन होना है तो पानी हटाना होगा। इसके लिए अधिकारियों से लेकर एमपी एमएलए तक के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन किसी के भी कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। तो आखिरकार खुद हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण और सीता जी को ही मोर्चा संभालना पड़ा। 3 दिन हो गई बरसात आ रही है, पानी भर गया है, इतना इतना पानी था, मैं जानता हूँ सामान मैंने कैसे निकाला है यहाँ से। इतना जोखम लेके इतनी कीच हो गई थी कि दलदलों में पैर धस रहे थे, सारा सामान बिगड़ चुका है, पर्दे हो चाहे डेकोरेशन का सामान हो। अब इसे विरोध दर्ज कराने का अजब गजब तरीका कहें या सरकारी बाबुओं की बेरुखी और निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण, लेकिन ऐसे में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उन कलाकारों और आयोजकों को जो हर साल यहाँ आकर रामलीला का मंचन करते हैं और साथ ही साथ हजारों की संख्या में यहाँ आने वाले दर्शकों को। ये स्वच्छ भारत से आगे स्वच्छ रामराज की कहानी है। अनमोल कुमार, गो न्यूज।